उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एसपी सरबरा अखिलेश यादव ने तमाम छोटी बड़ी पार्टियों के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव इस बार किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को शिकस्त देना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लीडर शायद दूसरी पार्टियों से मुफाहिमत नहीं कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है, पूरे देश में प्रदेश में समाजवादियों की लहर आई है। आज हमारी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में घटक दलों के साथ जो अलायंस हुआ है, उनकी हमने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल है, स्वेल देव भारतीय जनता पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, प्रसपा है, महानदल है, इन सारे लोगों से मिलकर इनके कार्यकर्ताओं का, इनके नेताओं का हमने मान सम्मान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत और पार्टियों की मदद की जाएगी? ये रणनीति तो आपकी दिख रही है, सारी जनता, सारे नेता एक हैं। किसान निर्देश दिए गए, सहयोग लिया जाएगा किसानों का, सहयोग लिया जाएगा मजदूरों का, बेरोजगार का, उन महिलाओं का। देखिए, प्रसपा से राजेश यादव साहब चेयरमैन डीसीबी, उनके अध्यक्ष सिद्धार्थ चौधरी, लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह, मनोज चौधरी साहब और सभी सम्मानित हमारी जो अलायंस के साथी वो यहाँ मौजूद हैं, इकट्ठे हैं। और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेता, आदरणीय एसटीएन सांसद जी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी सानी अली सानू साहब, हमारे हाजी इकराम साहब, जयवीर यादवपुर जिलाध्यक्ष हाजी रिजवान साहब और हमारे सभी सम्मानित विधायक और विधायक सांसद और पार्टी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। क्या अपील करना चाहेंगे हम जनता चुनाव के लिए? क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी बहुत सारी महिलाएं, नेता, कार्यकर्ताएं मौजूद हैं। जनता से हमारी अपील है कि भाजपा सरकार उखाड़ फेंकने का काम करें, अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करके अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अन्य गठबंधन के जितने भी हमारे दल हैं, उनके जो प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। मुरादाबाद से हमारा पुराना रिश्ता है। मुरादाबाद में मैं एडीएम सिटी रहा 88 से 91 तक, और उस समय पूरे प्रदेश में हलचल थी। समाज सेवक को लेकर अकेला मुरादाबाद करता था, जहाँ गंगा नहीं हुआ। आज प्रेस वालों ने पूछा तो मैंने बताया कि जिस समय ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी निष्पक्ष हो जाएंगे, कहीं गंगा नहीं होगा। मार के विधायक को यार कोई सम्मानित आदमी, और ये मेरी गारंटी है कि एकदम ठीक अलीगढ़ रहा, वहाँ कभी गंगा नहीं हुआ, उसी के क्रम में मुरादाबाद रहा, कभी गंगा नहीं हुआ। और आज आपके बीच आया हूँ। मुरादाबाद का कार्यक्रम जब बनता है तो ये लगता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और मुझे जब पहली बार मैं राजनीति में आया तो कहा कि अगर मुरादाबाद जाएंगे तो आप कहाँ मीटिंग करेंगे? हम कहा सालत पूरे में मीटिंग करूंगा। आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, आप संकल्प लीजिए कि जितनी भी सीटें हैं मुरादाबाद की, घटक दलों में जो भी मिले, आपको जो भी मिले, सब एकजुट होकर उसको जिताएंगे। संकल्प लेते हैं, हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें बिजनौर जाना है और फिर आपके बीच आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।